ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है TVS Raider 125 और ये बाइक जो है वो 125 cc सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बाइक 125 cc में कितनी ज़्यादा फेमस है और क्यों लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू TVS ऑटो रेस जिन्होंने जो है मुझे ये बाइक प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रही बात इस बाइक की ऑन रोड कॉस्ट की, तो इस बाइक की जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 114,500 मुंबई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस बाइक के लुक्स को लेकर। भाई 125 cc के सेगमेंट में जो है आपको ऐसी लुक वाली बाइक जो है ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। मतलब यहाँ पे आपको ये जो येलो एंड ब्लैक कलर का फ्रेमवर्क मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क है। इसमें जो आपको और भी कलर्स मिलते हैं, एक पर्पल कलर आता है और एक रेड कलर आता है, एक और कलर आता है पर वो भी फिलहाल मुझे याद है नहीं। और एक बात आपको इस बाइक में पसंद आने वाली है वो है इसकी LED हेडलाइट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ये रोबोटिक फेस मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। यहाँ पर आपको ये DRLs मिल जाता है, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन होने पर जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। वाओ, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सा थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। इसको भी मैं कर देता हूँ बंद। और फ्रंट में जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, आपको ABS नहीं मिलेगा बिकॉज ये 125 cc का मोटरसाइकिल है। पीछे की साइड जो आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ये रहा ड्रम ब्रेक्स। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, 80/117 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सो ये था इसका फ्रंट लुक और एक छोटा सा TVS का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टर्न इंडिकेटर्स आपको बल्ब में मिलते हैं। और अभी आ जाते हैं टैंक पे। टैंक पे आपको ये सारी की सारी जो स्कल्पटिंग दिखती है, ये जो बॉडी वर्क है काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखता है। मतलब आप जब इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि आप जो है कोई बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हो, ना कि आप एक 125 cc की मोटरसाइकिल चला रहे हो। जो मैं आपको मोटर लॉक के टाइम पर बताऊँगा, यहाँ पर आपको हॉर्स का लोगो मिल जाएगा, जो TVS का हॉर्स है वो आपको मिल जाएगा। 12 लीटर की टैंक मिलती है जिसमें से ऑलमोस्ट आपको 50 की माइलेज मिलती है। और किसी किसी कस्टमर ने जो है 55 का भी क्लेम किया हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज बाइक को देख के लगता नहीं कि इसमें इतना ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगा। और बीच में जो आपको ये हल्का सा पैटर्न मिल जाता है, आपको एक यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है जो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, तो आप ऑन द गो अपने फ़ोन को चार्ज कर पाओगे। रेडर की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड दिस इज़ दी 125 cc इंजन। यहाँ पे आपको ये 125 cc का इंजन मिल जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है आपको यहाँ पे, ये काउल भी मिल जाता है पर वो मेटल का है नहीं। एक और चीज़ इस बाइक में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो इसका एग्जॉस्ट नोट। मैं आपको सुनाई देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। आपने सुना, कोई बोलेगा नहीं ये 125 cc का जो है एग्जॉस्ट नोट है। पीछे की साइड आ जाते हैं, तो पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं एंड पीछे जो आपको मिल जाते हैं मोनोशॉक्स, ये रहे उसके मोनोशॉक्स। और यहाँ पे आपको LED ब्रेक लाइट्स मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ये रही इसकी LED ब्रेक लाइट्स। सारी गार मिल जाएगा आपको एंड 5-speed गेयरबॉक्स मिलती है, साइस्टन इंजन कट ऑफ भी फीचर भी मिल जाएगा। और सीट्स आप देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलती है, राइडर एज वेल एज पिलियन जो है दो जन इस पर आसानी से बैठ सकते हैं। और एक और चीज़ आपको इस बाइक में मिलती है कि इस सीट के नीचे जो आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज भी मिल जाती है, जिसको जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सेस करके पीछे की स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, या फिर छोटी मोटी मोबाइल जैसी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती है, ग्रैब बार्स। और अभी फीचर्स पे आ जाते हैं। सुबह फीचर्स में जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड मोटरसाइकिल है, तो मैं आपको एक एक करके इसके फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ये कलर डिस्प्ले मिलता है, कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, जो आपको एक कोई भी अभी तक जो है मुझे लगता है कि कोई भी 125 cc के सेगमेंट में जो आपको कलर नहीं मिलता। सनलाइट की वजह से शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, क्या बात है। और साइड स्टैंड वार्निंग मिल जाएगी, ट्रिप मिल जाएंगे और आपको डिस्टेंस टू MTB मिल जाता है, रेंज दिखाता है, स्पीड, RPM, कितने किलोमीटर चलिए, ट्रिप ए, ट्रिप बी। एक और चीज़ आपको इस बाइक में ज़रूर से मिल जाती है वो है दो राइडिंग मोड्स। दैट्स राइट, 125 cc सेगमेंट में आपको दो राइडिंग मोड मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको इको के साथ साथ पावर मोड भी मिलता है। वन सेकेंड मोड में आपको चलाने के टाइम पे बताऊंगा कि पावर में कितना डिफरेंस आता है। और इसके हैंडल बार्स को अगर आप नोटिस करोगे तो इसके हैंडल बार्स जो है काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, तो पकड़ने ग्रिप वगैरह करने में मज़ा आती है। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और ये बाजू पावर का बटन। एक एक फंक्शन रह गया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बिकॉज आपको ये कहीं पर भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और ना ही इसको जो है इन लोगों ने इंटरनेट पे भी बताया कि इसमें जो आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपकी बाइक जो है सिग्नल पे खड़ी है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे वो हो जाएगी ऑन। तो ये था एक
वॉक अराउंड ऑन द टीवीएस रेडियो 125। अगर आपको इसका डिटेल राइड रिव्यू देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, बिकॉज आज के व्लॉग में जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बाइक 125 सीसी सेगमेंट में इतनी ज़्यादा हिट है। एक और बात जो आपको इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वो है इसका ये जो पूरा लुक है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। सो यंग क्राउड के लिए जो लोग कॉलेज जाते हैं उनको एक ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा फंकी हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बिकॉज ये येलो कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड आई एम श्योर यंगस्टर्स में जो है ट्रांसफॉर्मर जो है मूवी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो भी जो है आपको ये पूरा बम्बलबी वाला लुक एंड फील दे देगा। सो आई थिंक यंगस्टर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, और जिसको जो है डेली कम्यूट करना एक बाइक चाहिए तो ये भी जो है काफ़ी बेहतरीन रहेगी। सो ये था एक वॉक अराउंड ऑन द टीवीएस रेडियो 125। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको अपने मोटर व्लॉग के सेटअप में, एंड लेट्स सी ये चलने में है कैसी। फीचर वाइज तो देखो ये बढ़िया है, पर चलने के चलाने के टाइम कैसी है, इसका कंफर्ट कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉग के सेटअप में, और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशो की चाबी इन द चैट। चलो बैठ के देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और इसका जो स्टार्टअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, आपको समझेगा ही नहीं, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने सुना, और बैठने के बाद जो कुछ इस तरीके से साउंड करती है। अब इसको चला कर देख लेते, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के कंफर्ट की। मैं आपको जो हूँ वो टिपिकल जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो हाइट बॉडी है, मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मैं ऑलमोस्ट 75 किलोस का हूँ, और मेरी हाइट बॉडी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइक जो है छोटी है, मतलब ऐसा लाइट वेट फील होता है, बिकॉज मेरा बॉडी बड़ा है बाइक छोटा है ऐसा वाला फील होता है मुझे। बट एक बार आप इस पर बैठ जाओ तो फिर आपको ये जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब ये टैंक शेप आप देख सकते हो, मेरे थाइस कितने अच्छे से अंदर टक इन हो रहे हैं, फुट पैक जो है वो हल्के से रेयर सेटिंग पे, हल्के से रेयर सेटिंग पे है, तो आपको यू नो वो नेकेड वाली लुक एंड फील यहाँ पे मिल जाती है एक 125 सीसी सेगमेंट में। सो और सीट्स भाई, इसकी सीट्स की जो पैडिंग है वो सॉफ्ट है, मतलब अगर आप बैठोगे उस पर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गद्दे पे बैठे हो, वैसी वाली सीट्स है इसकी। सो एंड इसके जो हैंडल बार्स है वो हल्के से कर्व्ड होकर आपके तरफ आता है। सो ये वाला जो इसका सिटिंग पोजीशन है, एकदम आम भाषा में मैंने आपको समझाया, और मेरी हाइट बॉडी के हिसाब से इट इज़ कम्फर्टेबल, बट जब मैं पैर नीचे रखता हूँ तो मेरे पैर काफ़ी आसानी से नीचे पहुँच जाते हैं, और मेरे पैर जो है थोड़े बहुत मुड़े हुए रहते हैं, बिकॉज इसकी सीट हाइट जो है मेरे हाइट के हिसाब से कम है। तो ये वाली बात है। तो मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5.5 ही है, फिर भी आप जो है आसानी से इस बाइक को मैनेज कर लोगे, इनफैक्ट एक टाइम को 5'2", 5'3" की भी हाइट रहेगी ना तो भी चल जाएगी। तो ये हो गया इसका कंफर्ट। अभी आ जाते हैं इसके इंजन पे। तो सबसे पहले मैं जो पिकअप लेके देखूंगा कि भाई ये इको मोड में कितना पिकअप लेती है, फिर पावर मोड में कितना पिकअप लेती है। तो सबसे पहले इको मोड में आ चुके हैं, 0 miles per hour, 3, 2, 1। सो थर्ड गियर में जो है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड टच करती है ये, मज़ा आ गया। ये हो गया इसका इको मोड। यहाँ पे करेंगे पावर मोड को टेस्ट के भाई पिकअप में कितना फ़र्क लगता है। मैं जो वो टाइमिंग वाली चीज़ नहीं करने वाला, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एकदम ऑथेंटिक ये रहे। 3, 2, 1 बंद हो गया, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप देखो, ये ऐसी वाली बात है, तो आपकी बाइक अगर आइडल खड़ी रहेगी तो बंद हो जाएगी, ठीक है। 3, 2, 1। ओके भाई, इसमें जो है आपको स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज थर्ड गियर में भी इसने 70 ही टच किया था पावर मोड में, बट इनिशियल जो टॉर्क था वो ज़्यादा मुझे फील हुआ, मतलब ऐसा मुझे लगा कि शायद से एक बार मेरा पीछे का टायर स्पिन हो गया था, मुझे ऐसा बाद में एहसास हुआ। बट यस, टॉर्क में जो है फ़र्क पड़ता है लोअर रेंज में, मतलब जहाँ से आप पिकअप लेते हो वहाँ पर जो आपको ये पंच मिल जाएगा, बाकी मिड रेंज में और टॉप एंड में जो है वो सिमिलर ही आपको लगेगा। सो ये था इसका इंजन। वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ, मिनिमम वाइब्रेशन फुटपैक्स पे लगते हैं, टैंकी के यहाँ पे लगते हैं, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे लगते हैं, नॉर्मल वाले इतने ज़्यादा है नहीं, और नॉकिंग वगैरह जो इतना खास नहीं है। अगर मैं इसको फिफ्थ गियर में, टॉप गियर में डाल के इसको मैं 20 की स्पीड पर चलाऊँ, ये देखिए ये अभी 20 की स्पीड, ये देखो 30 की स्पीड, चलो ये 30 हो गई, तो देखिए कोई नॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, चल रही है, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप देख ही पा रहे हो ये, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, तो सिटी राइडिंग के लिए ये बेस्ट मोटरसाइकिल 125 सीसी के सेगमेंट में। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पीड ब्रेक का टेस्ट, ए धड़। भाई इसके दोनों सस्पेंशन जो है उसको सॉफ्ट सेटिंग पर रखा हुआ है, तो सिटी यूसेज के लिए परफेक्ट है। स्पीड ब्रेकर खड्डे में से जो है आपको ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे, ये मुझे पसंद आया।
बिकॉज ये बाइक जो है भगाने के लिए नहीं बनी गई हुई है, बट इसको जो है वैसे हल्का सा डिज़ाइन किया हुआ। मैं जानता हूँ कि जिसको जो है अगर थोड़ा एग्रेशन चाहिए तो वो भी हो जाएगा, जिसके लिए पावर मोड दिया हुआ। सो ये बात है, टर्निंग रेडियस आप देख सकते हो हल्का सा, बाइक एकदम हल्की फील होती है, तो टर्न वगैरह मारने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज मैं इतना एक्सपीरियंस राइडर हूँ। तो मुझे जो है मैं समझता हूँ कि मैं जो काफ़ी आसानी से टर्न ले सकता हूँ, बट हो जाती है, अगर आप नॉर्मल राइडर हो तो भी हो जाएगी। अब ब्रेक्स की बात करूँ तो भाई फ्रंट डिस्क जो है इसकी भगा लेते हैं पहले। भाई एग्जॉस्ट नोट आपको पसंद आने वाला है, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ये देखिए अच्छे से काम कर लेते हैं। लीवर्स जो है आपको सिल्वर कलर के मिलते हैं, थोड़ा अलग टोन आता है पर मज़ा आता है। क्लच भी लाइट है, रेयर ब्रेक टेस्ट करेंगे। ओके भाई, पीछे का ड्रम ब्रेक भी इसका टाइट है यार, मज़ा आ गया, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा देर लगेगी, बट नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रही है। साइड व्यू मिरर्स जो अच्छा खासा व्यू दे देते हैं, ये साइड व्यू मिरर्स थोड़ा आगे बट अच्छा खासा व्यू दे रहे हैं। आप लोग ना इसके एग्जॉस्ट नोट के फैन होने वाले हो। मज़ा आ गया। और अगर मैं जो राइडिंग के टाइम पे डिस्प्ले की बात करूँ तो आप देख सकते हो अभी दोपहर के बज रहे हैं, 2 बज रहे और ब्राइट डे सनलाइट है, पर रीड करने में दिक्कत नहीं हो रही है। गियर पोजीशन का इंडिकेटर का फॉन्ट बड़ा है तो मज़ा आता है, मतलब आपको लगता है कि आप कुछ प्रीमियम क्वालिटी की बाइक चला रहे हो, ये वाली फील आपको इसमें 100% मिलती है यार, मज़ा आ गया। और तो और मैंने जो है जैसे आपको बताया था, मैंने जो है सारे के सारे पॉइंट्स इसके डिटेल राइड रिव्यू में कवर किए, बट ये जो था एक डिफरेंट वीडियो था, व्लॉग था, जो मर्जी बोल लो। सो यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा रिव्यू ऑन द TVS Raider 125 कि आपको 2022 में इसको कंसिडर करना चाहिए 125cc सेगमेंट में, डेफिनेटली यस, ये मेरा वर्डिक्ट है। आप इसको चलाओ, टेस्ट राइड लो, मैंने शोरूम की डिटेल्स आपको दी हुई है। स्पेशल थैंक्स टू TVS ऑटो रेस एंड संकेत सर वंस अगेन। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड एंड द व्लॉग हियर, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। गाइस इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज TVS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। बस आ गई बीच में।